ठीक हाल चाल ठीक ठाक सारे। आज एक दो काम है। पहला काम ये कि मेरा लैपटॉप हो गया वो काफ़ी पुराना, तकरीबन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कि 8-9 साल से। अब ये है कि वो ना फाइल्स अपलोड कर पा रहा है ना उस पर प्रीमियम प्रो सही से चल रहा है। तो टाइम ये आ गया, उसको ऑलरेडी मैं एक दफ़ा रिपेयर करवा चुका हूँ, मुझे अब चाहिए नया लैपटॉप। मैं कन्फ्यूज़ था कपल ऑफ लैपटॉप्स में से कौन सा लिया जाए। एक लेनोवो का था। आई एम एच पी पर्सन, मैं शुरू से ही एच पी यूज़ करता आ रहा हूँ, और मेरा एच पी का ही डेल था, वो काफ़ी चेक किए। फिर एक डेल का था XPS, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो मैक भी देखते हैं क्या ऑप्शन है उनमें, क्योंकि प्रीमियम प्रो जो है वो मुझे, मेरे लिए ये था कि मैक पे नहीं चलता, उस पर रच आउट किया कि उस पर चल जाता है। सो मैंने अपनी विंडो नैरो डाउन की हुई है दो लैपटॉप्स पे। अब एक है डेल का XPS 15 और दूसरा है मैकबुक। XPS ऑलरेडी मेरे भाई के पास है, वो मैं चेक कर चुका हूँ, मुझे पसंद आया। इट्स गुड, 4K ग्राफिक कार्ड, 32 GB रैम, 1 TB हार्ड SSD, एवरीथिंग इज़ गुड, इट्स परफेक्ट। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा है कि यार मैक को भी देखा जाए, क्योंकि आज तक मैंने रखने का एक्सपीरियंस नहीं किया उसे, तो वो चल के देखते हैं। मुझे जाना है मॉल, वहाँ पर जाके वो चेकआउट करते हैं, क्योंकि एक दो मॉडल्स लगे हुए हैं जो मुझे पसंद है। नया M3 चिप वाला आया है, तो यस आई नीड टू ऑर्डर इट टुडे। और आप लोग भी मशवरा दीजिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, हम एक्सपेक्ट थोड़े से अच्छे ही लेंगे, ताकि वो, क्योंकि अभी जब ले लेना है फिर वो 2-4-5 साल कहीं नहीं जाना। एक कलर भी देख रहे हैं, एक सिल्वर है, एक स्पेस ग्रे है, और डेल का जो है वो तो सिर्फ सिल्वर में ही आता है। पहले गैस डलवाते हैं, क्योंकि रेंज 37 रह गई है सिर्फ। यानी कि मुझे कहा था कि आप कोशिश किया करें कि इसकी रिजर्व मोटर ना ऑन हुआ करें, क्योंकि रिजर्व मोटर इस्तेमाल होती है तो फिर वो जल्दी ख़राब होने का मसला होता है। तो जैसे ही रिजर्व लगे कोशिश करें पूरा डलवा दें। जिन लोगों को गाड़ियों को शौक है उनको सबसे गुस्सा पता ज़्यादा किस पर चढ़ता है, इस पर। और ये पेंट के लिए इतने को ख़तरनाक है ना, जिससे हम लोग गाड़ियों वगैरह डिटेल करवाते हैं, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि ये इतने ख़तरनाक है, ये आपका पेंट ख़राब कर सकते हैं। सो जब भी गाड़ी पर इस तरह का कोई प्री टॉपिंग या बुकिंग हो, तो इनको कोशिश करें कि आप जल्दी से वॉश कर लें। मैं अभी जब रेस्टोरेंट जाऊँगा मैं फ़ौरन कोशिश करूँगा कि उसका इसको तो वॉश करें। वैसे भी गाड़ी वॉश होने वाली है, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं था कर रहा, और कुछ फ़ौरन का सीज़न भी है, और ये माशाल्लाह से बढ़ता जा रहा है। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, परसों गर्मी थी, कल ठीक ठाक बारिश हुई है सारा दिन, और आज देखे हुडी पहनी हुई है। इस तरह से मौसम चेंज होता है यहाँ पर। अभी भी इम्कान तो हैं बारिश के, लेट्स सी। काले बादल आए हैं इधर से, ये ओके। कितने की गैस चली है? $67, नॉट बैड नॉट बैड। प्राइसिंग की बात की जाए, दोनों लैपटॉप सेम ब्रैकेट में फॉल करते हैं। एचपी का कह रहा हूँ, जो डेल का है वो है अराउंड $1800 का, और जो मैकबुक है वो है अराउंड $2100। तो $300 का डिफरेंस है, लेकिन इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो एक ही दफ़ा चीज़ लेनी है, फिर 4-5 साल कहीं नहीं गई हुई। मैं अपने तौर पर ये सोच रहा था कि मैकबुक ले लेते हैं, एक तो उसको भी सीखते हैं, उसका फाइनल कट प्रो भी है, लेकिन मेरे हैंड्स ऑन थोड़े बहुत अब आ रहे हैं, अब जाके थोड़े से सही हुए हैं इसमें प्रीमियम प्रो पे। और इन द मीनवाइल हम लोग जो एचपी का लैपटॉप मेरे पास करंट है, इसकी SSD अपग्रेड करते हैं, इसकी हार्ड अपग्रेड करते हैं, SSD डालते हैं। ठीक ये होगा कि मैकबुक भी हो जाएगा पास और विंडोज़ भी हो जाएगा, लेकिन मुझे जेन्युइन इसमें मशवरा चाहिए। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी का एक्सपीरियंस है एडिटिंग से रिलेटेड, अदर देन दैट पर्सनल यूज से रिलेटेड, कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आज तक मैकबुक यूज़ नहीं किया। पहले मैं शुरू से day 1 से ही जब स्कूल में थे तब से ही पहला लैपटॉप एसर का था, उसके बाद HP लिया और HP चलता आ रहा है, और मेरा एक लैपटॉप 5-7 साल कहीं नहीं जाता। मैं संभाल के रखता हूँ, रिश्ते और चीज़ें आप लोग संभाल के रखते हैं, वहाँ नहीं तोड़ते, लोग तोड़ जाते हैं। नेचुरल लाइन आई है, बड़ी मज़े की है। जाके देखते हैं, अभी मैं सिर्फ कॉफ़ी ले लूँ, फिर मुझे आई एम कन्फ्यूज बिकॉज इट्स लाइक $2000, तो वो कलेजे पे हाथ रख के फिर ही खर्च करने हैं। लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, एक तो एडिटिंग के लिए भी ज़रूरत है, उसके अलावा भी काम काज के लिए। तो शोए नहीं मार रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग कि यार ये क्यों सुना रहे हो, हमारे लिए थोड़ी ले रहे हो, लेकिन यार हम लोग फैमिली हैं, दोस्त हैं, कम्युनिटी हैं, तो मशवरा करना तो बनता है ना। ये आंटी बहुत तेज आ रही है, सुकून से हैं। मैंने लेफ्ट साइड कॉफी ऑर्डर करनी सिखाता हूँ आप लोगों को, स्टारबक्स पे कैसे ऑर्डर करते हैं। Hey, can I get a grande oat milk, brown sugar, shaken espresso, please?
Yes, can you make it with less ice and extra milk? So brown sugar plus vanilla pump. Okay, just one cup of vanilla, anything else? Do you guys have chocolate croissant by any chance today? Yes, we do. Can you get one warmed up? Anything else? That'll be all. Alright, it'll be 10:81 to window, thank you. Okay, thank you. Pakistan mein ja ke hum log peete the cardamom tea McDonald's se, Gujranwala se bhi aur Lahore Johor Town se bhi. Lahore Johor Town ki to kaafi yaadein hain. इतने आके ग्रांडे ओट मिल्क ब्राउन शुगर शिकन एस्प्रेसो. ग्रांडे कहते हैं यहाँ पे मीडियम को, टॉल कहते हैं स्मॉल को, वेंटी कहते हैं लार्ज को, और ट्रेंटा कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज को. तो महीना तो ये सीखने में लग गया. और ये सिर्फ ये स्टारबक्स वालों के ही चौंचले हैं, बाकी जो वहाँ पर स्मॉल मीडियम लार्ज चलता है, यहाँ पर टॉल ग्रांडे वेंटी ट्रेंटा. शशके भाई शशके भाई, तब इनकी नई ड्रिंक्स आ रही हैं, समर बेरी समर स्काइज ड्रिंक, समर बेरी लेमनेड. मैं अभी घर पहुंचा हूं. ये एक लूमड़ी आई हुई है हमारी गली में और वो इस बिल्ले के चक्करों में है. पहले यहाँ पे एक वो गिलहरी फिर रही थी, उसके पीछे थी. अभी पता नहीं क्या भाग गई. क्या हूँ मॉल में, आप वहाँ पे वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं थी होनी, तो मैंने फुटेज रिकॉर्ड कर ली, आपको दिखाता हूँ. एक है 14 इंच और एक है 16 इंच. पहले मेरा मूड था 14 इंच पे कि यार चलो उस पे गुजारा हो जाएगा, लेकिन 16 वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी तो बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए. मेरे पास जो फिल वक्त है वो 15.6 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 16 इज़ बेटर फॉर मी एज़ कम्पेयर टू 14. क्योंकि प्रो के अंदर दो ही साइज़ आते हैं, 14 और 16. अगर आप मैकबुक एयर में जाते हैं तो उसमें 15 का है, जो कि बिल्कुल आइडियल है. 15 इज़ द आइडियल साइज़. और अब ये सीन है, कंप्यूटर तो वहाँ पे और भी पड़े हुए थे, डेस्कटॉप वगैरह, लेकिन आई एम कंफ्यूज कि अभी 14 का देखें या 16 का देखें, क्योंकि बजट जो है वो 14 वाला है, लेकिन दिल ज़्यादा अब 16 पे आया हुआ. तो अभी चेक करता हूँ. मैं घर आ गया हूँ, मुझे दानी के पास है मैकबुक एयर, मुझे उस पर इंस्टॉल करके देखना है प्रीमियम प्रो, क्योंकि लाइसेंस नहीं है मेरे पास. मेरे पास है क्रैक्ट वर्जन, और क्रैक्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करके देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अराउंड $35 अ मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन है प्रीमियम प्रो की, तो इतने मैं तो नहीं दे रहा. मैंने तो पहले भी एक दोस्त को क्या इंडिया से मंगवाया था, वो इंस्टॉल कर लिया था विंडोज़ के अंदर, वो सही चल रहा है. अभी जाके वो देखते हैं कि इसके एप्पल के अंदर चलता कि नहीं चलता. अगर तो वो चलता हुआ तो फिर कोशिश करेंगे कि हमें कोई 16 इंच वाला मिल जाए, कोई अच्छा सा थोड़ा यूज़ भी मिल जाए, मतलब ओपन बॉक्स भी मिल जाए तो इट्स ओके. वो भी एप्पल की वारंटी के अंदर ही होता सारा. 16 वाला अच्छा लग रहा है और सिल्वर कलर में ज़्यादा है. ग्रे पे मेरा दिल था, लेकिन उसके जो पैड्स होते हैं मैंने ये रिव्यूज़ में देखा था कि उसके यूज़ करने के बाद वो थोड़े बदडाल होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर नीचे से वो सिल्वर कलर आना शुरू हो जाता है. तो इससे अच्छा कुछ सिल्वर ही दें और अपनी गाड़ी के साथ भी मैच कर जाएगा. सो या हम ना चेक करा लेस गन सार, मुझे वो इंस्टॉल करके पहले देखना और फिर ढूंढते हैं, क्योंकि 14 वाला तो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ था. आप लोग भी मशवरा दीजिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है. अगर किसी का मैकबुक एयर के साथ एक्सपीरियंस है कि वो अच्छा चलता है एडिटिंग में, तो मैकबुक एयर ले लेंगे फिर, क्योंकि वो तो आइडियल साइज़ में है 15 में, और वो इन दोनों से सस्ता भी है. लेट्स चेक इट आउट, और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. थोड़ी सी मैच पर वर्किंग कर लूँ. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. पीस अप, बाय.